यूपी के जनपद अलीगढ़ के विद्युत पावर हाउस में तैनात सीआईएसएफ के जवान ने अपनी पत्नी को जहर खिलाकर हत्या कर दी और वहीं खुद ने भी जहर खा लिया। फिलहाल सीआईएसएफ के जवान की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अलीगढ़ के जवां थाना क्षेत्र के एक सीआईएसएफ के जवान ने अपनी पत्नी को जहर खिलाकर मौत के घाट उतार दिया और बाद में खुद ने भी विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सीआईएसएफ के जवान को गंभीर हालत में जेएन मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में भर्ती करा दिया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। वहीं पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पूरे मामले की पुलिस गंभीरता से जांच कर रही है। आपको बता दें कि थाना जवान के विद्युत पावर हाउस में तैनात था सीआईएसएफ का जवान और मूल रूप से बिहार के पटना का रहने वाला बताया जा रहा है। वह अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ सरकारी फ्लैट में रहता था। सूत्रों की माने तो दोनों पति पत्नी में आए दिन झगड़ा होता था। कल रात झगड़ा हुआ था, जिसके बाद जवान ने इस घटना को अंजाम दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, अलीगढ़। हॉस्पिटल में जो महिला आई थी सीएसएफ की, जिसकी उसकी जो है पहले से डेथ हो चुकी थी, और जो सीएसएफ कर्मी था वो कंडीशन बहुत ख़राब थी। ऐसा लगा था कि कोई जो है पॉइजन उसने कंज्यूम कर रखा है। उसको तत्काल जो है मेडिकल कॉलेज पे रेफर कर दिया गया था। तो सर, क्या उनकी दोनों की मौत हुई है अभी? एक गंभीर नहीं है, जो फीमेल थी उसकी वाइफ, वो पहले से उसको डेथ हो चुकी, ब्लड डेथ आई थी, ब्लड डेथ। और जो उसका हस्बैंड था उसको तुरंत भेज दिया गया था, उसकी पता नहीं है, वो मेडिकल में भर्ती है। सर, कितने बजे का मामला रहा? करीब 6:30 सुबह का मामला है आज का, 22 तारीख का। तो ये सीआईएसएफ कर्मी, सीआईएसएफ का है, कासिमपुर पोस्टेड है सीआईएसएफ, तो उसका कर्मी था। क्या नाम है सर आपका?